हेलो व्यूवर्स, आपका अपना, आपका हमदर्द, आपका दोस्त जाहिद गुलजार सिंपल कुकिंग फूड के नए एपिसोड में आपको बहुत बहुत खुशामदेद कहता है। आज हम आपके लिए इंतहाई सादा और झटपट तैयार होने वाली डिश लेके आए हैं। आज हम आलू कीमा तैयार करेंगे आपके सामने। इंतहाई मज़ेदार डिश है और लाहौर की अक्सर स्ट्रीट फूड में या उनकी दुकानों पर बिकता है और इंतहाई शानदार तैयार होता है। हम आपके लिए इसे इंतहाई सादगी के साथ तैयार करेंगे और देखेंगे कि कैसी मज़ेदार डिश तैयार होती है। तो आइए अब हम अपने किचन में आपको लिए चलते हैं, जहां पर हम कुकिंग प्रोसेस को शुरू करेंगे, आपके सामने इस डिश को तैयार करेंगे। व्यूअर्स, आइए जायज़ा ले लेते हैं कि हमें इस मज़ेदार आलू कीमे की डिश को तैयार करने के लिए किन किन अज्जा की ज़रूरत है। इसे तैयार करने के लिए मैंने बीफ का 500 ग्राम कीमा लिया है। इसके साथ चार दरमियाने साइज़ के आलू हैं, जिन्हें धोकर अच्छी तरह से मैंने काट लिया है और ये कोई तकरीबन 2-2 इंच के पीसेस में कटे हुए हैं। साथ में हम मसाले के लिए दो प्याज हैं दरमियाने साइज़ के फाइनली कट, और एक टमाटर लिया गया है, थोड़ा बड़े साइज़ का था इसलिए एक इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके टमाटरों का साइज़ थोड़ा दरमियाने साइज़ का है तो आप दो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जायके के लिए हरी मिर्च इस्तेमाल की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि ये मिर्च थोड़ी बड़ी वाली है, सो ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती बट इसमें जायका होता है। हम इसमें हरा धनिया भी इस्तेमाल करेंगे, उसका स्टॉक इस्तेमाल करेंगे और गार्निश के लिए धनिया इस्तेमाल किया जाएगा। जिंजर गार्लिक का पेस्ट इस्तेमाल किया जाएगा 1 से 1.5 चम्मच के करीब। फिर दूसरे मसाला जात में हम नमक इस्तेमाल करेंगे। शुरू में 1 चम्मच नमक के साथ हम शुरू करेंगे, हसबे जायका है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको हम 1.5 चम्मच तक डालेंगे। इसके अलावा 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल है और 1/2 चम्मच हम काला ज़ीरा पिसा हुआ इस्तेमाल करेंगे, और साथ में चुटकी भर गरम मसाला इस्तेमाल किया जाएगा। ये गरम मसाला घर का पिसा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी तफसील जो है वो मेंशन कर दूंगा, आप देख सकते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम इसमें 1 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम अपने कुकिंग प्रोसेस को शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक मज़ेदार डिश तैयार करने में कामयाब हो सकें। सो अब हम आपको लिए चलते हैं स्ट्रेट टू द किचन, वहाँ पे हम जाके अपनी कुकिंग का आगाज़ करेंगे। तो नाज़रीन, इस मज़ेदार डिश को तैयार करने के लिए हमने एक भारी पैंदे वाली देचकी ली है। इसमें हम जो हमारा 500 ग्राम कीमा है वो शामिल करते हैं, साथ में 2 प्याज थे वो शामिल करते हैं, और टमाटर थे वो भी शामिल कर देते हैं एक ही वक्त में, और साथ में जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है वो 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देते हैं। इसमें तकरीबन 1 ग्लास पानी शामिल किया जा रहा है ताकि कीमा जो है वो गल सके, और आग जला लेते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कीमे को अच्छे तरह से हम इन प्याज वगैरह के साथ मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसे इसी तरह बगैर कोई मसाला शामिल किए हुए ढक्कन देकर पकने देते हैं, उस वक्त तक जब तक के पानी थोड़ा सा खुश्क नहीं हो जाता। सो हम इस पर ढक्कन देते हैं। आग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाई पर है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि कीमा जो है वो डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ पे मिलने वाला कीमा जो है वो आसानी के साथ जल्दी से गल जाता है। अगर आपको कीमा गलाने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही हो तो आप पानी की मिकदार जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। सो
اپنے قیمے کے مطابق اسے پانی کی مقدار کو ایڈجسٹ کر لیجئے گا. ناظرین قیمے کا پانی تھوڑا سا خشک ہو چکا ہے, قیمے میں سے بھی تھوڑا سا پانی جو گوشت کا نیچرل پانی ہوتا ہے وہ باہر آ چکا ہے. اب اسی حالت میں ہم یہ میں نے دھنیے کا سٹاک لیا ہے وہ شامل کر رہا ہوں ذائقے کے لیے. اسٹاک سے قیمے کے اندر جو ہے وہ دھنیے کا ذائقہ بڑھ جائے گا. اور ساتھ ہی میں اب اس میں نمک مرچ وغیرہ شامل کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم شروع کریں گے ایک چمچ نمک کے ساتھ, اور پھر جب ٹیسٹ ٹیسٹنگ کریں گے تو اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو استعمال کر سکتے ہیں. حسب ذائقہ ہے, آپ اپنی ضرورت کے مطابق اسے استعمال کر سکتے ہیں. ایک چمچ میں لال مرچ لے رہا ہوں اور آدھا چمچ جو ہے وہ ہلدی کا استعمال کیا جائے گا. ان ساری چیزوں کو بھی مکس کر دیتے ہیں اور ڈھکن دے کر اسے پھر سے پکنے دیتے ہیں. ناظرین قیمے کا پانی جو ہے وہ کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے. اب ہم اسے بھوننے کے لیے اس میں ایک کپ آئل شامل کریں گے. اور ہم اسے بھون لیں گے. اس پوائنٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ آگ تھوڑی سلو کر لیجئے گا تاکہ جو ہے وہ قیمہ اچھی طرح سے بھن سکے. سو ہم اب اسے سلو آنچ کے اوپر بھون لیتے ہیں. ناظرین قیمہ ہمارا بھننے کے قریب ہو چکا ہے. آپ نے اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے. جتنا زیادہ اسے بھونیں گے اتنا ہی زیادہ مزیدار سالن تیار ہوگا. اب ہم اسی پوزیشن میں اسی حالت میں اس میں جو میں نے آپ کو ایک ہری مرچ بتائی تھی وہ شامل کر لیتے ہیں. یہ ہری مرچ بہت زیادہ تیز نہیں ہے, صرف ذائقے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے. اور اسے بھی قیمے کے ساتھ ہی بھون لیتے ہیں. قیمے میں سے جب آپ کو اس طرح کی آواز آنی شروع ہو جائے تب سمجھ لیجیے گا کہ قیمہ جو ہے وہ اس ٹائم بھوننا شروع ہو چکا ہے. اب ہم اسے ابھی مزید 2 سے 3 منٹ تک اور بھونیں گے. آئل سیپریٹ ہو چکا ہے, بٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا اچھا اسے بھونیں گے سالن میں ذائقہ بھی اتنا ہی زیادہ آئے گا. تو ابھی ہم اسے 2 سے 3 منٹ تک کے لیے اور پکائیں گے. قیمہ جو ہے وہ انتہائی شاندار طریقے سے بھن چکا ہے. اب ہم اس میں آلو شامل کر دیتے ہیں اور انہیں بھی قیمے کے ساتھ مکس کر لیتے ہیں. آلوؤں کو قیمے کے ساتھ پکانے اور مکس کرنے کے بعد میں نے کوئی 1 منٹ کے لیے ٹائم دیا ہے تاکہ یہ قیمے کے ساتھ مکس ہو سکیں. اس میں میں تقریباً آدھا کپ جو ہے وہ پانی شامل کر رہا ہوں شروع میں. اور اسے بھی مکس کر لیتے ہیں. اب اسے ڈھکن دے کے تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیتے ہیں, پھر ہم آلوؤں کو بھونیں گے. ناظرین اب ہم آلوؤں کو بھون لیتے ہیں. جو میں نے اس میں آدھا کپ پانی ڈالا تھا وہ اس ٹائم بیچ میں سے سوکھ چکا ہے اور آلو بالکل تیار ہے کہ انہیں بھون لیا جائے. سو جیسے کہ ہم نے قیمے کو اچھی طرح سے بھونا تھا اسی طرح ہم آلوؤں کو بھی بڑے ہی اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ سالن کا ذائقہ جو ہے وہ دوبالا ہو سکے. آلو جو ہیں وہ انتہائی شاندار طریقے سے بھون چکے ہیں. اب اس میں ہم تقریباً 1.5 سے 2 کپ پانی شامل کریں گے تاکہ آلو جو ہیں وہ گل بھی سکیں.
और इस पर ढक्कन देकर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो नाजरीन, आलू जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसी हालत में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, और साथ में मैंने आपको बताया था कि आधा चम्मच हम इसमें काला ज़ीरा शामिल करेंगे, और इसका हम अभी टेस्ट टेस्ट भी कर लेते हैं ताकि अगर नमक शामिल करने की ज़रूरत है तो हम इसमें नमक शामिल कर सकें। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं मुझे लो पे इसे आलूओं को गलाने के लिए। आप बीच बीच में चेक करते रहिएगा कि वो गल गए हैं कि नहीं गले। थोड़ा सा नमक कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें आधा चम्मच नमक और शामिल कर लेंगे। सो 1.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच मिर्च आपने इस्तेमाल करनी है इस रेसिपी के लिए। हमारा सालन तकरीबन तैयार है। अब हम इसके में चुटकी भर गरम मसाला शामिल कर देते हैं। और आग कर देते हैं बंद और ऊपर से दे देते हैं ढक्कन। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने इसी तरह इसे स्टोव पे रहने देना है। ये है मज़ेदार आलू कीमे की डिश, इंतहाई मज़ेदार तैयार हुई है। अपने घरों पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आने की सूरत में अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी मज़ेदार आलू कीमे की रेसिपी। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप इसे अपने घरों पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। आप अगर इसे पसंद करें तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। सो अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि आपके साथ फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। ताहाल आप खुश रहें, हंसते रहें, खाते रहें, गाते रहें, मुस्कुराते रहें।